अंकुर को पता नहीं है, अंकुर को पता नहीं है कि मैं कुछ उसके बर्थडे के लिए प्लान कर रही हूँ। टू द पॉइंट, मैं अंकुर के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने जा रही हूँ। उसको कुछ गिफ्ट ही करूँगी मैं, बट क्या करूँगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। वो जाके देखूँगी कि क्या मुझे अच्छा मिलता है। अभी तक डिसाइडेड है कि मुझे उसके लिए कुछ टी शर्ट चाहिए, क्योंकि समर आ रहे हैं तो अब ऑब्वियसली बात है कि उसको टी शर्ट चाहिए होंगे, तो मैं टी शर्ट लूँगी उसके लिए। इधर आने का कोई भी मतलब नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ बंद है ऑलमोस्ट। मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी बट वो वीडियो पता नहीं कहीं पर कुछ इशू हुआ है, वो वीडियो नहीं मुझे मिल रही है। सो मैंने फ़ोटोज़ ऐड किए हैं, बहुत सारे यहाँ पर शोरूम्स हैं, रेबैन का देखा। माय फेवरेट इज़ बरिश्का हेयर, वो बरिश्का आएगा अभी जहाँ से हम लोग अपने मोस्टली कपड़े खरीदते हैं। इस मॉल में सभी कुछ मिलेगा, क्लोथिंग मिलेगी, शूज़ मिलेंगे, मेकअप मिलेगा आपको, एवरीथिंग व्हाटएवर। मतलब बहुत बड़ा ये मॉल है, शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर जो बरिश्का है, ओवीएस है, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ से आप ज़्यादातर शॉपिंग कर सकते हो, अच्छी शॉपिंग हो जाती है। ज़ारा का ये बाहर आउटलेट है, ज़ारा होम करके। अरे अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा ऑरेंज जोन में पता नहीं ये शॉपिंग मॉल दोबारा खुलेंगे, क्योंकि नॉन एसेंशियल्स हैं तो शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। फिर मैं अंकुर के लिए क्या प्लान करूँगी बर्थडे के लिए, इट इज़ लिटिल क्वेश्चनेबल नाउ। मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता है। लेट्स सी क्या करता है। अभी तो घर वापस जा रही हूँ, कुछ और ऑप्शन नहीं है मेरे पास करने को। फिर ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाऊंगी और मेरे नेल्स बहुत दर्द कर रहे हैं, बट ऑप्शन नहीं है। ये यूरोप कार है और ये रेंटल कार सर्विसेज हैं, यहाँ पर आप रेंट पे ले सकते हो। इधर ही ऑफिस है, यहाँ से सेकंड। और हम लोगों ने एक ट्रिप के लिए, मैंने और मेरा एक फ्रेंड आया था, हमारा एक फ्रेंड आया था के लंदन से। सो हम लोगों ने मिलके ये रेंट पे ली थी गाड़ी, चलाई उसी ने थी क्योंकि उसी के पास इंटरनेशनल परमिट था ड्राइविंग का, तो उसी ने चलाई थी। बट काफ़ी सही पड़ गया था रेट, बिकॉज ट्रेन्स वगैरह अगर आप लेते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं वो, और अगर अपने पेट्रोल आप फिल करा के अपनी गाड़ी से जाते हो तो रेंटल सर्विसेज मिला के और पेट्रोल मिला के आई थिंक 3 लोग बहुत आराम से, 3-4 दिन का ट्रिप किया था हम लोगों ने। और वो डिटेल्स मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट मैं देख सकती हूँ बाद में और बता सकती हूँ। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग, मतलब एंड मेट्रो स्टेशन है ये असागो का। मुझे पैदल उधर जाना है, बहुत दूर सर्किल के, तो टाइम लगने वाला है। मैं ट्रिप के बारे में बता रही, तो जो मैंने यूरोप कार से हम लोगों ने रेंटेड की थी गाड़ी, वो ऑलमोस्ट हम लोगों को 4 दिन के लिए लेके गए थे आराम से। परमिट चाहिए होता है उसके लिए आपके पास, इंटरनेशनल परमिट हो या फिर यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास। हम लोग गए थे वेनिस, जिनुआ, 2 जगह गए थे, तो हमारा बहुत अच्छा ट्रिप हुआ था। किसी के पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पर आकर 6 महीने तक ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो तो भी यहाँ पे काम करेगा। जब यहाँ पे आप रहने लगते हो, आपके पास यहाँ पर वर्क परमिट है, आप रेसिडेंस परमिट पे हो और यहाँ पर आपको लोकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और अंकुर ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहा है, बट अभी तक उसके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया है। स्टिल उसको अभी एग्ज़ाम पास करना है प्रैक्टिकल अपना ड्राइविंग का, रिटन तो वो क्वालिफाई कर चुका है और वो इटालियन में होता है। सो ये मोर डिफ़िकल्ट है कि अगर आपको इटालियन नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना। गोरा मेट्रो स्टेशन, और मैं इस ब्रिज से क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन से उधर गई थी। बाकी यहाँ लाइन से सारे ही कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की बिल्डिंग है, ऑफिस एरिया है ये। और
मेरी बस वहाँ खड़ी है शायद ऑलरेडी। तो जो मेट्रो का टिकट था वो 90 मिनट्स तक वैलिड होता है, तो मैं अब जाके उसी टिकट से, ये रहा वो टिकट, इसी टिकट से मैं इस बस में जा सकती हूँ। मुझे भागना पड़ेगा। बस में मार्किंग्स होती हैं जहाँ पर स्टिकर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर नहीं बैठना है। मोस्टली सभी लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं सिस्टम। बस पहुँच गई हूँ अपने घर, अपने दुखी पैरों से। रह गया है 500 मीटर दूर पे मेरा घर। पहुँच कर सबसे पहले तो अपना नेल्स कट करूँ, फिर मैं दूसरी जगह जाऊँगी। ऐसे चल नहीं पाऊंगी मैं और। So reach my house. ये लिफ्ट अटक गई है 3rd floor पे और मुझे फिर इन जूतों में चढ़ के जाना पड़ेगा पिन में। फाइनली पहुंच गए और अब ये पेनफुल जूते मुझे चेंज करने हैं। पहले करूंगी हैंड वॉश, चेहरा वॉश करूंगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ। मेरे पेनफुल यहाँ पर मैंने अपने नेल्स काटे और फिर बाई चांस मैं शाम को गई तो मुझे एक शॉप मिल गई लकी आई वॉज। मैं बहुत थक चुकी थी तब तक।